उस क्रांतिकारी ग्रंथ के दूसरे अध्याय में ऋषि ध्यान कहते हैं, ये जन्म पत्री नहीं, ये शोक पत्री है, और इसको बल्कि मृत्यु पत्र कह दिया जाए तो बहुत ही अच्छा है। अगर किसी को शीघ्र अकाल मृत्यु का ग्रास बनना हो, मृत्यु रूपी दुख को प्राप्त करना हो, मृत्यु रूपी अंधकार में भटकना हो, ध्यान रखना, तो बस वो जन्म पत्री के अनुसार चलता रहे। आप कहेंगे मृत्यु पत्र, हां मैं कहूंगा बिल्कुल, एक नहीं अनेक उदाहरण दे सकता हूं, लेकिन अभी एक ही उदाहरण दूंगा समय के अभाव में। पिछले दिनों की बात है, हमारे दक्षिण का रहने वाला एक युवक, संभवतः उसका नाम नागार्जुन या ऐसा कुछ था, और वो युवक इंजीनियर था, दुबई के अंदर वो कार्य कर रहा था एक कंपनी में। प्रातःकाल उसने अपना दूरदर्शन खोला, दूरदर्शन खोलते ही भाग्यवाद का प्रकाश करने वाले वो महाराज जी आकर खड़े हो गए, जिन्होंने कई प्रकार की मालाएं, कई प्रकार की अंगूठियां और कई प्रकार के तिलक लगा रखे थे। वो आकर बैठ गए, आइए भाग्य को जानिए। ये बालक भी बैठ गया, ये नौजवान इंजीनियर है, लेकिन कैसे जाल में फंसा है, क्योंकि परंपरा में ये भी उसी परिवार में रहा है जो परिवार उस भाग्य को मानता है। तभी मैं कह रहा था कि आपके परिवार की परंपरा से मिली हुई जो कुछ राशि है ज्ञान की, जो बातें आपने सीखी हैं, जो संस्कार आप पर पड़े हैं, ये सत्य हो ये आवश्यक नहीं है। उस युवक ने क्या सुना जो उसकी राशि थी, आज के दिन अमुक राशि वाले व्यक्ति ध्यान से सुने, उनके जीवन में कठिनाई आती रहेगी, उनको रोग का शिकार होना पड़ेगा, जीवन में दुर्घटना भी हो सकती है, और बार बार उनको बुखार भी आ सकता है, उनके कुछ शत्रु भी बन सकते हैं, ये स्थिति बनी रहेगी। अभी हम बता नहीं सकते, उसका कोई उपाय करने का प्रयास करें। जब उसने प्रातःकाल ये सुना कि मैं रोगी भी बना रहूंगा, मेरे शत्रु भी बने रहेंगे, मेरी दुर्घटना भी हो सकती है, मुसीबतें आती रहेंगी, उसने कहा इतना पढ़ लिख कर सोचता था मैं कि स्वयं सुखी हो जाऊंगा और जो धन कमाऊंगा माता पिता को सुखी करूंगा, ये तो और ही कुछ हो रहा है। उसने कहा मैं ऐसा जीवन जीना नहीं चाहता जिसमें दुख ही दुख हो, रोग ही रोग हो, और सदा मुझे अपने शत्रुओं से जूझना पड़े। वो अपने कार्यालय की सबसे ऊपरली मंजिल में जाता है और आकर के लगभग 9वीं-10वीं मंजिल से छलांग लगा देता है और जीवन की लीला शांतिपूर्वक समाप्त कर देता है। याद रखो, इस धमाके को सुनकर लोग उसके पास आते हैं, पुलिस आती है और पुलिस उसको उठाती है। पहले तो देखा जाता है कि ये बच सकता है कि नहीं, पता लगा ये बचने योग्य नहीं, बिल्कुल समाप्त है, प्राण पखेरु उड़ चुके हैं या उसके प्राण पखेरु उड़ा दिए गए हैं। आखिर जाकर उसकी तलाशी ली जाती है और उसकी कमीज की जेब के अंदर एक पत्र मिलता है। उस पत्र के अंदर वो क्या लिखता है, मैंने अपनी इच्छा से आत्महत्या की है, आप इसका दोषी किसी और को ना समझें, इसका जिम्मेवार मैं स्वयं हूं, क्योंकि आज मैंने प्रातःकाल अपने ज्योतिषी महाराज से सुना था कि तुम्हारा जीवन निरंतर कष्टों दुखों मुसीबतों से भरा रहेगा, तो मैंने ये सोचा मैं तो ऐसे दुखों कष्टों में जीना नहीं चाहता, इसलिए मैंने अपने जीवन का अंत कर दिया। ये परिणाम है भाग्यवाद का। अब आपसे मैं जानना चाहता हूं, जो युवक आत्महत्या कर गया, उस आत्महत्या का दोषी वो स्वयं है अथवा वो भाग्यवाद का प्रकाश करने वाला ज्योतिषी कौन है? अगर ज्योतिषी उस युवक को ना बहकाता तो निश्चित रूप से वो इस तरह से अपनी जीवन की लीला को समाप्त ना करता। आज उसके पीछे उसके माता पिता रो रहे हैं, उसके भाई बहन रो रहे हैं, और इतना ही नहीं, उस युवक की मृत्यु के कारण हमारे राष्ट्र को कितनी बड़ी हानि हुई, जरा विचारिए कि एक व्यक्ति के निर्माण में
हमारे राष्ट्र का कितना योगदान होता है, और यदि वो जीवित रह जाता है तो अपने शुभ कर्मों के द्वारा किस तरह से अपने राष्ट्र को महान बना सकता है। जरा ध्यान दीजिए, मैं पिछले दिनों बेंगलोर में था और बेंगलोर के दूरदर्शन पर मैं एक समाचार सुन रहा था निरंतर। क्या समाचार था? एक बुढ़िया माता रो रही है और वो बार बार दुहाई कर रही है और कह रही है उनसे, दूरदर्शन वालों को, आप हमारे बेटे को बुलवा दीजिए, आप इस दूरदर्शन से सूचना भिजवा दीजिए, वो जहां कहीं भी है वापस आ जाए, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दिनों तक उसके बिना जी नहीं सकती। अब इस बात को वो दूरदर्शन वाला दोहराता था और क्या आग्रह करता था, वो जो उसका पुत्र था वो एक पायलट था। याद रखो, अब दूरदर्शन की चैनल वाले कहते हैं, पायलट साहब आप घर वापस आ जाओ, माताजी आपके बिना बड़ी दुखी है, आप उस तांत्रिक को छोड़ दो। ध्यान देना, अर्थात एक पायलट को एक तांत्रिक ने बहका दिया। ध्यान दीजिए जरा, एक पढ़े लिखे पायलट को जिसकी कुशाग्र बुद्धि होती है, जो कॉकपिट में बैठकर पूरे विमान का संचालन करता है, साधारण कार्य नहीं है विमान को चलाना, जरा विचार सकते हैं आप कितनी अच्छी उसके पास बुद्धि है, लेकिन फिर भी वो एक तांत्रिक के चक्कर में फंसकर घर से भाग गया है और पता नहीं क्या कर रहा है। अब मैं आप प्रश्न पूछता हूं आपसे एक, उस पायलट के भागने में अधिक दोष पायलट का है या कि उसको भगाने वाले तांत्रिक का? अगर आप बुद्धिमान होंगे तो आप उत्तर ठीक देंगे, जिसका ठीक उत्तर है तांत्रिक का दोष नहीं है अपितु पायलट का अधिक दोष, बहकाने वाला वो जरूर है। पायलट का दोष क्यों है? क्योंकि परंपरागत समाज में, परिवार में, अड़ोस पड़ोस में, मित्रों से उसने आज तक यही सुना है कि जो भी कार्य ना हो रहा हो आप तांत्रिक के द्वारा उसे सिद्ध कर सकते हैं। यह मूर्खता है। और मैं ये जानना चाहता हूं, यदि बिना पढ़े लिखे, बिना पुरुषार्थ किए कोई भी कार्य सिद्ध हो सकता है, तो ये भारत के भीतर बैठे हुए महापखंडी तांत्रिक, ये ज्योतिषी, ये भाग्यवादी, ये हस्तरेखा देखने वाले, मंगल शुक्र शनि की दशा देखने वाले, इन्होंने आज तक इस देश को क्यों नहीं बचाया? देश के टुकड़े हो गए, पाकिस्तान बन गया। ध्यान रखना, ये धूर्त धन के लोभी, देश के हत्यारे, ये कहां थे भाग्यवादी? कहां बैठे थे? तब अपनी तंत्र विद्या चलाते, मुस्लिम लीग को समझाते, जिन्ना को समझाते, अरे नेहरू और गांधी को समझा देते, बिना सोचे। लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पर गांधी ने 55 करोड़ रुपया दे दिया पाकिस्तान को, जबकि देशभक्त लौह पुरुष सरदार पटेल ये बार बार कहते रहे, गांधी जी आप ऐसे धन मत दीजिए, ये ठीक है हमने उसका धन देना है, परंतु हम ये धन तब देंगे जब हमारे कश्मीर का दबाया हुआ भूमि का भाग वह छोड़ देगा। कितना अच्छा सुझाव था ये, लेकिन गांधी मानने को तैयार नहीं था। ये भाग्यवादी तब कहां थे मैं पूछना चाहता हूं, जब कबैलियों के द्वारा पाकिस्तान ने हमला करके 12,000 मुसलमान औरतों के साथ बलात्कार किया, और आज वही मुसलमान कश्मीर के उसी पाकिस्तान का गीत गा रहे हैं, तब ये तांत्रिक भाग्यवादी कहां थे? विचार कीजिएगा। तब से लेकर अब तक 60 वर्षों में इस देश की दुर्गति हो रही है, लाखों गौएं कट रही हैं, सैकड़ों हजारों देश की बेटियां इस देश से खरीद कर अरब देशों में भेज दी जाती हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा भेज दी जाती हैं। ये भाग्यवादी कहां हैं? इनको नहीं पता।
आगे और पीछे की सारी बात बताने वाले इन भाग्यवादियों से हम पूछना चाहते हैं, चीन आया, आक्रमण किया और बहुत बड़ा भूभाग अपने कब्जे में ले लिया, तब ये भाग्यवादी कहां थे? अगर तंत्र विद्या में इतनी ताकत है, अगर कहीं शमशान घाट की पूजा में इतनी ताकत है, तो मैं इन देश के हत्यारे, इन पखंडी लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारी ये पखंड विद्या केवल पेट भरने के लिए है? जाओ ना, किसी आतंकवादी की खोपड़ी पकड़कर इधर कारगिल में, कश्मीर में, इधर कच्छ में, जैसलमेर में, और वहां जाकर कश्मीर और चीन की सीमा पर रखो और वहां पूजा पाठ करो, तब मैं देखता हूं क्या तुम अपनी सीमाओं को बचा सकते हो। दुख का विषय है, वह भारत जो विद्या में विश्व गुरु था, वह भारत जो शक्ति में विश्व सम्राट था, वह भारत जो धन संपदा में सोने की चिड़िया था, आज वह भाग्यवाद के कारण गुलाम बनकर रह गया, आतंकवाद का अड्डा बनकर रह गया, महिलाओं की बिक्री का मंडी बनकर रह गया, आतंकवादियों की पनाह बन के रह गया है। और किसी भाग्यवादी को, किसी तांत्रिक को, किसी ज्योतिषी को हिम्मत नहीं है कि वहां पर अपना जोर दिखाए, वहां पर अपना तंत्र चलाकर दिखाए। और आप लोग ऐसे लोभी लालची देश के हत्यारे इन तांत्रिकों के, भाग्यवादियों के, ज्योतिषियों के चक्कर में फंसे रहते हो। ध्यान देना इस बात को, ये आगे पीछे की सब जानते हैं, जरा विचार कीजिए, ये आगे पीछे की सब जानते हैं, इसलिए आप अपना धन बढ़ाने के लिए इनके पास जाते हैं ना, ये आपका धन बढ़ा सकते हैं, आपको विश्वास है, पर मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ये आपका धन बढ़ा सकते हैं, ये स्वयं खड़क सड़क के ऊपर बैठकर सारा दिन खाक छानते हैं, धूली पड़ती है इनके ऊपर, मक्खियां भिनभिनाती हैं, मच्छर काटते हैं, इनके ठिकानों के ऊपर दुर्गंध आती है। ये तुम्हारा भाग्य बना सकते हैं, तुम्हें लाखपति, तुम्हें करोड़पति बना सकते हैं, अपने आप को क्यों नहीं बना लेते? ये आपके बेटों को इंजीनियर डॉक्टर बना सकते हैं, इनके अपने बेटे बेटी काय को धक्के खाते हैं, कभी विचारा? ये आपके जीवन को शांति दे सकते हैं, आपके गृहस्थ में शांति उतार सकते हैं, जरा इनके गृहस्थ आश्रम के विषय में भी पूछ लेना। ये आपको ऐसे उपाय बताते हैं कि आप रोगी ना हो, और ये स्वयं इनके परिवारों में सैकड़ों रुपए की औषधि आती है। कारण, चोरी से जो धन आता है वो दो ही स्थान पर जाता है, या तो डॉक्टर के पास जाया करता है, या फिर वो कचहरी में जाया करता है, ध्यान रखना। इसलिए अपने यहां एक और कहावत है, आए चोरी सो जाए मोरी। कहीं देख लीजिएगा आप, चोरी से धन प्राप्त किया जा सकता है, हेरा फेरी से कोई व्यक्ति धनवान बन सकता है, लेकिन उसकी गति दो ही होंगी, या तो हॉस्पिटल में जाएगा पैसा, और या उसका पैसा मुकदमेबाजी में जाएगा, वो जीवन का सुख नहीं प्राप्त कर सकेगा, उसे शांति नहीं मिलेगी, वो शांति से बैठकर ना भोजन कर सकता है, वो शांति से बैठकर ना भजन कर सकता है, और वो शांति से ना ही कुछ काल तक विश्राम कर सकता है। ये सच्चाई है, और यही स्थिति इन लोगों की है, ये आगे पीछे की सब बात जानते हैं। मैं एक और उदाहरण आपको देता हूं, एक बालक पढ़ने में कमजोर था, उत्तर प्रदेश के बिजनौर नगर की यह घटना है, और बिल्कुल सच्ची घटना है, और वो आर्य बालक का जो पिता था वो पौराणिक विचारों का था, वो भाग्यवाद और ज्योतिष पर विश्वास किया करता था, वो बार बार कहता था तुम खाते हो, तुम पीते हो, और तुम्हें कुछ लगता नहीं है, लगता है तुम्हारे भीतर कोई है, कुछ चढ़ गया है, कुछ ओपरी हवा आ गई है ना, आ जाती है कईयों के,
उसने कहा, चाचा मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। देखो ये तो अपने अपने शरीर की बात है, मेरा शरीर ऐसा ही है बचपन से, आगे जाकर ठीक हो जाएगा, अभी मेरी अवस्था ही क्या है, मैं एक अभी तो आठवीं कक्षा में पढ़ता हूँ ना, तो आगे जाकर ठीक हो जाएगा। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं जानता हूँ कुछ चढ़ गया है, आज मेरे साथ चलो। उसने कहा, चाचा देखो मेरे विद्यालय का समय हो रहा है, प्रातःकाल मेरे पास समय नहीं है, मैं देर से पहुंचूंगा तो और मुझे मार पड़ेगी। अरे कुछ नहीं होता, तू आज मेरे साथ जरूर चल, रोज बहाने लगाता है, चलो। लगभग 7:30 का समय था, इसने उस बालक की बाजू पकड़ी और ना चाहते हुए घसीट कर ज्योतिषी के पास ले गया। अब बालक का पूरा ध्यान तो विद्यालय की ओर था। 7:45 बज गए, जाके खड़ा हुआ, उसने कहा, गुरुजी जरा देखना हमारा भतीजा है ये, बड़ा कमजोर रहता है, जरा देखना जरा इसका जरा हाथ। उसने कहा, दिखाओ बेटे दिखाओ। तो इस बालक ने अपना हाथ दिखा दिया। ये हाथ जब देखने लगा तो एक व्यक्ति और खड़ा था, उसने कहा, ज्योतिषी जी क्या कर रहे हो? बोले, हाथ देख रहा हूं। अरे ये बायां हाथ है। ओहो, अरे दाहिना दिखाओ। उसने दाहिने हाथ में पुस्तक पकड़ रखी थी स्कूल जाने के लिए, इस बालक ने वो दाहिने हाथ वाली पुस्तक बाएं में पकड़ ली और दाहिना हाथ आगे करके ज्योतिषी के मुंह पे एक थप्पड़ मार दिया। जब एक थप्पड़ मारा, कहने लगा, बड़ा दुष्ट है। और उस चाचा ने भी उसको एक थप्पड़ मारा, बदतमीज कहीं का, गुरुजी को मारता है, हैं? तीसरा वो व्यक्ति खड़ा था, अरे तुम्हारा बालक तो बड़ा उदंड है। उसने कहा, शांत रहो शांत, मुझे उपदेश देने की जरूरत नहीं, मुझे पहले ही देरी हो रही है विद्यालय से। बोले, वो देरी हो रही है कोई बात नहीं, लेकिन इतने बड़े आदमी को तुमने मार दिया। बोले, मैंने यूं ही थोड़ा मारा है। बोले, क्यों मारा है? बोले, मैंने इसलिए मारा है कि देखूं इसको भी पता है कि नहीं अपने भाग्य का, कि थोड़ी देर बाद थप्पड़ लगने वाला है या नहीं। बोले, जिस मूर्ख को यह नहीं पता कि अभी थोड़ी देर में थप्पड़ लगने वाला है, ये मेरा भाग्य क्या बताएगा, ये आपका भाग्य क्या बताएगा। एक और गांव की घटना हरियाणा की, एक युवक गांव से चला गया और 10वीं पास करके बनारस निकल गया, कहते हैं 5-6 वर्ष के बाद लौट के आया। जब वो लौट के आया तो बढ़िया धोती कुर्ता, ऐ गले के अंदर पटका, चंदन मंदन तिलक, फर्स्ट क्लास लगा हुआ। उसके मित्र कहने लगे, वाह, अरे तुम तो पूरे पंडित बने गए, कहां चले गए थे? अरे मैं वो ज्योतिष पढ़ के आया हूं। बोले, वो क्या होता है? बोले, ज्योतिष तुम्हें नहीं पता? बताओ ना भाई, हमें नहीं पता। बोले, ज्योतिष आगे पीछे की सब कुछ जानता है। बोले, वाह कमाल हो गया, इतनी बढ़िया विद्या तुमने पढ़ी, लेकिन ये हमें कैसे पता चले कि तुम सच बोलते हो या झूठ? अब गांव वाले तो सीधे होते हैं। बोले, इसमें क्या परीक्षा कर लेना कभी भी? बोले, कभी क्या, अभी कर लेते हैं ना। और उसके साथी थे, वो गाय भैंस चराने वाला पाली था, उसके हाथ में लाठी था, उसने लाठी उठा ली। उन्होंने कहा, भैया हे ज्योतिषी महाराज खड़े जाओ। इसने लाठी उठाई, बोले, क्या कर रहे हो? बोले, जरा परीक्षा कर रहा हूं। बोले, कैसी परीक्षा? बोले, नहीं नहीं सुनो तो सही, अभी मार नहीं रहा हूं मैं, अभी मेरी बात तो सुनो। उन्होंने कहा, क्या बात है? उन्होंने कहा, देखो मैं लाठी उठाई है ना। बोले, हाँ। अब ये बता, ये लाठी तेरे सिर में पड़ेगी या कमर पर या पैर पर, कहां पड़ेगी? अब ये समझ गया, इतनी अकल तो थी इसको। बोले, अगर मैं कहूंगा सिर में पड़ेगी तो ये पैर तोड़ देगा, अगर कहूंगा पैर में पड़ेगी कमर तोड़ पड़ेगा। बोले, बाबा मेरे बाप की तौबा, कान पकड़ा, मुझे कुछ नहीं आती ये विद्या, मैं नहीं जानता हूं, मुझे माफ कर दो। सज्जनों, ऐसे ऐसे महामूर्ख इस धरती पर भरे पड़े हैं, इस धरती पर भार है, कलंक है, ध्यान रखना। और वो लोग जो ऐसे लोगों के पास जाकर अपने धन को यौवन को बर्बाद करते हैं, अपने संतानों को अपने परिवार वालों को गलत दिशा दिलवाते हैं, वो भी उतने ही पापी हैं, ध्यान रखिए इस बात को। अत्याचार करने वाला तो पापी है ही, परंतु उसकी सहायता करने वाला भी पापी है, दुष्ट की सहायता करने वाला भी पापी है, हेरा फेरी की सहायता करने वाला भी पापी है,
इस बात को अच्छी तरह समझ जाइए, आज तक कोई माइका लाल नहीं पैदा हुआ जो इस बात को जानता हो कि कल क्या होने वाला है। और इन्हीं भाग्यवादियों ने इस भारत को गुलाम किया है। भारत की गुलामी के मूल तीन कारण हैं। वेद विरुद्ध जड़ पूजा पाठ पहला, उसकी चर्चा करेंगे कभी फिर। दूसरा, भाग्यवाद तथा कथित भाग्यवाद, झूठा भाग्यवाद। तीसरा, जातिवाद। अगर ये तीन कारण अविद्या के इस भारत में ना होते तो भारत अब भी सोने की चिड़िया और विश्व का गुरु होता। मोहम्मद बिन कासिम आया, उसने ईंट से ईंट बजा दी, ये नालायक भाग्यवादी कहां थे। गजनी आया, गौरी आया, बाबर आया, अकबर ने अत्याचार किए, औरंगजेब ने लाखों का कत्लेआम किया, मथुरा की कृष्ण मूर्ति को तोड़कर भ्रष्ट करके गाय काटकर खून से सनकर मांस के लोथड़ों में लपेटकर फिर भी उसे चैन नहीं आया। उन योगेश्वर कृष्ण महाराज की मूर्ति के टुकड़ों को जाकर आगरा की जामा मस्जिद पे डाला, ये भाग्यवादी कहां थे। ये क्या कर रहे थे बता दूं, इधर हमला होता था किसी राज्य के ऊपर तो इधर भाग्यवादी राजा के सामने आ जाते थे, ये तथा कथित पंडित। और क्या कहते थे, राजन रुको। वो कहता था क्यों, बोले अभी इस समय मुहूर्त अच्छा नहीं है, अभी आप शत्रु पर आक्रमण मत करना, आपकी जान जा सकती है, आप गुलाम हो सकते हैं। और वो राजा जो वेद विद्या से दूर हो चुके थे, जो सत्य विद्या से दूर हो चुके थे, विचार शून्य हो चुके थे, उन राजाओं ने शत्रु के आक्रमण करने पर भी उनका प्रतिकार नहीं किया, चुपचाप घर में बैठे रहे और गुलाम हो गए। ये भारत की गुलामी का एक बहुत बड़ा कारण है, ध्यान दीजिएगा। एक राजा के यहां पुत्र उत्पत्ति होने वाली थी, ज्योतिषी से पूछा गया आपका क्या विचार है, ज्योतिषी कहने लगे महाराज अगर ये बालक 12 बजे से पहले पैदा होता है तो तुम पर भारी है, तुम्हारा राज पाठ सब समाप्त हो जाएगा, सब कुछ उजड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। उसने कहा क्या किया जाए, उन्हें कहा इसका उपाय ये किया जाए कि इस बालक को 12 बजे से पहले ना पैदे होने दिया जाए। उस मूर्ख राजा ने उस ढोंगी भाग्यवादी की बात को मानकर अपनी रानी को उल्टा लटका दिया और उसका परिणाम यह निकला, रानी की भी मृत्यु हो गई और बालक की भी मृत्यु हो गई। ये मूर्ख थे जिन्होंने ये बात मानी थी और अपने घर को उजाड़ा था। लेकिन कोई एक आध राजा इस देश का आर्य विचारों का भी था, जिसमें कुछ वैदिक संस्कृति के संस्कार अवशेष थे। ऐसे ही राजा के ऊपर मुगलों ने हमला जब किया, उसकी सूचना राजा को मिली, राजा ने अपनी सेनाओं को तैयार किया, लड़ाई के मैदान की ओर चलने लगा। वो भाग्यवादी पंडा आ गया सामने और फिर आकर उसने वही बात दोहराई, राजन रुकिए। बोले क्यों, महाराज आपने ये विचारा ही नहीं ये कौन सा समय चल रहा है, कैसा मुहूर्त है, ये घड़ी आपके पर भारी है और यदि इस घड़ी में आप युद्ध करेंगे तो इसका परिणाम बहुत उल्टा होगा। उन्होंने कहा तुम कैसे जानते हो
बोले हमारा काम यही है, हम भविष्य को बता देते हैं, भविष्य को जान लेते हैं, मानना मानना आपकी इच्छा है। उसने कहा तुम्हारी बात ये सत्य है, इसकी क्या कसौटी है? वो चुप रहा। फिर राजा ने कहा क्या तुम अपनी आयु जानते हो? कहते हाँ। बोले बोलो तुम्हारी कितनी आयु है? उसने कहा महाराज इस समय तो मेरी आयु मात्र 50 वर्ष है, लेकिन मेरी अपनी जन्म पत्री के अनुसार मैं लगभग 80 वर्ष जीने वाला हूं। उन्होंने कहा तुम्हें पक्का विश्वास है? उन्होंने कहा राजन मुझे पूर्ण विश्वास है। राजा ने तलवार निकाली और एक वार किया और उस पंडे की गर्दन उतार करके धरती पर बिछा दी। सब लोग देखने लगे ये क्या किया राजा ने। उन्होंने कहा तुम नहीं समझे, ये मुझे एक राय देने आया था, एक सुझाव देने आया था कि मैं अभी शत्रु के ऊपर आक्रमण ना करूं, और मैंने इसकी गर्दन उतार ली, इसलिए तुम आश्चर्यचकित हो, तुम्हें लगता है कि मैंने गलती की, पर तुम नहीं समझे कि मैंने तुम्हें क्या पाठ पढ़ाया। मैं बताता हूं तुम्हें, यह कहता था मैं 80 वर्ष तक जीने वाला हूं और यही बात मैं देखना चाहता था क्या यह सत्य है। जिस समय मैंने तलवार उठाई थी ये तलवार गिर गई होती, मेरे हाथ कांप गए होते, तो मैं जान लेता कि इसकी भविष्यवाणी ठीक है। ना मेरे हाथ कांपे, ना मेरी तलवार गिरी, मैंने जोश के साथ इसकी गर्दन काट दी और इससे सिद्ध हो गया ये जो कुछ कहता है झूठ है, इसको भविष्य के विषय में कुछ पता नहीं है, ये पूरे राष्ट्र को बर्बाद कर देगा, गुमराह कर देगा, इसलिए मैंने इसकी गर्दन काटी है कि मेरे राज्य में इसके पश्चात कोई भी व्यक्ति इस तथा कथित झूठी विद्या के ऊपर विश्वास करने वाला ना हो। माताओं, बहनों, सज्जनों, युवाओं और प्यारे बच्चों, महर्षि देव दयानंद ने चारों वेद, चार ब्राह्मण, छह दर्शन, 11 उपनिषद, रामायण महाभारत, कर्म कांड के अनेक ग्रंथ पढ़ने के पश्चात यह सार निकाला था कि वेद के अंदर कहीं भी ये फलित ज्योतिष विद्या का विधान नहीं है, ये सारी की सारी कल्पना मात्र है, स्वार्थियों का ढोंग है। ज्योतिष विद्या को हस्तरेखा से, ग्रह से, राशि नक्षत्र से कुछ लेना देना नहीं है। अगर ज्योतिष विद्या है तो उसका संबंध ऊपर चांद तारों के साथ है, सूर्य चंद्रमा की गति के साथ है, सप्तऋषि के साथ है, ध्रुव के साथ है, जिससे पता चलता है कि आज सप्तऋषि किस स्थिति में है, महाभारत के समय में क्या स्थिति थी और महाभारत का आज कितना काल व्यतीत हो गया है। यह है ज्योतिष विद्या, जिसको ये तथाकथित नादान लोग और ये दूरदर्शन वाले लोग लालच के लिए केवल लोगों की, दर्शकों की भीड़ बढ़ाने के लिए, जैसे टेक्निकल लैंग्वेज में TRP कहते हैं, उस TRP को बढ़ाने के लिए कि हमारे चैनल के दर्शक अधिक हों, इस तरह का झूठा पतनशील ये पदार्थ परोस रहे हैं। और ऋषि दयानंद ने 125 वर्ष पूर्व सत्यार प्रकाश के द्वितीय सुमुलास में यह समझा दिया था कि अपनी संतानों का विकास करना है तो ज्ञानवान बनो, आचारवान बनो, सजग बनो, उन्हें अच्छा भोजन दो, अच्छी विद्या दो, उन्हें अच्छे श्लोक पाठ याद करवाओ, अच्छे सत्संग में रखो, उन्हें आचार विचार की सारी शिक्षा दो, महापुरुषों की कथाएं उन्हें सुनाओ, उनको अपनी इंद्रियों का बोध करवाओ, इंद्रियों की शुद्धि के विषय में जानकारी दो, न कि तुम भूत प्रेत चड़ेल के चक्कर में पड़कर उनका जीवन बर्बाद करो। इस पे हनुमान चढ़ गया है, इस पे शुक्र चढ़ गया है, इस पर शनि चढ़ गया है, ध्यान रखना इस बात को। एक पढ़ी लिखी लड़की, BA के जिसने पेपर दिए थे, BA के
और क्या देखा, एक ज्योतिषी के पास बैठी है और ज्योतिषी के पास बैठकर कहती है, गुरुजी, मैंने कहा इतने प्यार से कभी अपने पढ़ाने वाले को गुरुजी नहीं कहा होगा, वहां तो इसको ऊपर कुर्सी चाहिए, 100 नखरे चाहिए और यहां ये सड़क के ऊपर बैठ गई है, धूली में बैठने को तैयार है, गुरुजी कह रही है, गुरुजी जरा देखना जरा मेरा कैसा रिजल्ट निकलेगा। उसने कहा, बेटी तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा निकलेगा, बस थोड़ा सा काम करना। कोई मेरे जैसा व्यक्ति पास में खड़ा था, हमने कहा तुम बीए में पढ़ती हो, तुम्हारा गुरु पीएचडी तो होगा कम से कम, हैं एमए पास तो होगा। और वो क्या बोलता है, वो ज्योतिषी पंजा छाप, बोले हम तो कभी स्कूल गए ही नहीं। बताओ, एक बीए में पढ़ने वाली लड़की एक मूर्ख व्यक्ति से रिजल्ट पूछ रही है, परिणाम पूछ रही है। अब एक गई नहीं, दूसरी और आ गई, और ये बीए बीएड है। हम देख रहे थे, उन्होंने कहा गुरुजी मैं बहुत मुसीबत में हूं और मुझे लगता है मुझे कुछ हो गया है। उसने कहा कुछ हो गया है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। क्या बात है तेरी, ये सब कुछ ठीक कर देगा जी, जरा हाथ दिखाओ, हाथ दिखा। हाँ मैं अभी जरा देखता हूं, एक पुस्तक निकाल ली, पुस्तक के पन्ने पलट रहा है। ये भृगु संहिता, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। मैंने इनको भी देखा है, पंजाब के होशियारपुर स्थान पर इन भृगु संहिता वालों का बड़ा भारी अड्डा है। और वो क्या कहते हैं, हम आपके पुराने सैकड़ों वर्ष पुराने पन्ने निकालकर आपका भविष्य बता सकते हैं। मैं भी चला गया था, मैं रुका एक रात वहां पर, क्योंकि एक बहन गई थी, बस मैं यही पोल खाता खोलने गया था। मैं रुका, मैंने जाते ही कहा, मैंने कहा भैया जरा मेरा भी पन्ना निकाल देना। डर गया बेचारा, सो रहा था, नहीं 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 आप तो ये है, अरे आप तो क्या है, अरे तुम तो इसके विशेषज्ञ हो, मैं अपनी विद्या का विशेषज्ञ हूं, तो तुम अपनी विद्या का प्रयोग करो, डरते क्यों। अब बोला कुछ नहीं, लेकिन आज तक मेरा पन्ना नहीं खोला उसने। वो ऐसे दुष्ट हैं, पुराना कागज लेते हैं, पुरानी स्याही लेते हैं, फिर उसको धूप में डाल देते हैं, कुछ कागज कुरकुरा हो जाता है, स्याही कुछ ढीली पड़ जाती है, फिर कहते हैं आपका पुराना पन्ना है। और ये मूर्ख लड़की बीएड बैठी है, ये किताब खोल रहा है, किताब खोल रहा है और क्या कह रहा है, ओह तुम्हारे ऊपर मंगल भारी है। जब इसने कहा ना मंगल भारी है, तो मैंने उस लड़की के सिर पर हाथ मार दिया। वो देखने लगी, मैंने कहा बहन जी है तो नहीं, है नहीं वैसे। फिर इसके सिर पर हाथ फेरा, कह रहा क्या कर रहे हो, मैं कहा देख रहा हूं तेरा दिमाग ठीक है या खराब है, और तेरे से ज्यादा शायद इसका खराब है। अरे मूर्ख, सिर के ऊपर मक्खी मच्छर चींटी जूं चली जाए तो पता चल जाता है, इतना बड़ा मंगल चढ़ गया, किताब देख रहा है, पृथ्वी से कई गुना बड़ा मंगल इसके सिर पे चढ़ गया है, अरे नादान पखंडी किताब देख रहा। मगर तेरे को अकल नहीं है, मेरी बहन इतनी पढ़ी लिखी और तू अध्यापक बनने जा रही है, अध्यापिका बनेगी। मैंने कहा मैं हाथ जोड़कर एक अनुरोध करता हूं, तुम कुछ भी काम कर लेना पैसा कमाने के लिए, लेकिन कम से कम बच्चों को पढ़ाने का काम मत करना। अगर तेरी जैसी पखंडन बच्चों को पढ़ाने का काम करेगी तो देश उठेगा कभी नहीं, डूबेगा जरूर। और यही कारण है हमारी संस्थाएं 40-40 वर्ष से चल रही हैं, लेकिन हाजिरी नहीं मिलती, विद्यार्थी नहीं मिलते, अध्यापक अध्यापिकाएं गुम रहते हैं। क्या बना रहे हैं हम, शायद ज्योतिष बना रहे हैं। हम विचार करें इस बात को, गुमराह ना हो, सावधान हो जाएं। अभी ये शनिवार गया है, पीछे शनिवार था ना,
और हम खड़े थे, एक सज्जन आए हाथ में कमंडल। शनिवार है, मैंने कहा भैया शनिवार है। फिर आगे कहता है शनिवार है, हाँ मैंने कहा भैया शनिवार है, सत बात है शनिवार है। मैंने कहा विश्वानी दुरितानी परासु यद भद्रम तन्यासु। ये प्रत्येक आर्य का, ईश्वर पुत्र का, ब्रह्मा शिव राम कृष्ण ध्यान के भक्त का काम है कि दुरित को दूर हटाए और श्रेष्ठ को पास लाए। अज्ञान को हटाओ ज्ञान को लाओ, अंधविश्वास को हटाओ वैदिक प्रकाश को लाओ। चुपचाप मत रहो, जितना ज्ञान आपने प्राप्त कर लिया है उतना ज्ञान फिर लोगों तक पहुंचाओ। जितनी अच्छी बातें आपने यहां वैदिक धर्म में, सत्संग में, आर्य समाज में आकर सीख ली हैं, उतनी बातें अपने साथियों को जरूर बताओ, नहीं तो पाप लगेगा। आप कहेंगे पाप लगेगा? हां पाप लगेगा। क्यों? कहते हैं केवला गो भवति केवलादि, जो अकेला खाता है सो पाप खाता है। खाता है कि कहते हैं ना आप? मैं आपसे पूछता हूं, आज इस धरती का विनाश बोलो रोटी कपड़ा मकान के ना मिलने से हुआ या गंदे विचारों से? या आतंकवाद किसकी देन है? दुराचार की, भ्रष्ट विचार की। याद रखना, एक डाकू बहुत बड़ा पैदा हुआ इस धरती के ऊपर, रेगिस्तान के इलाके में रहता था, बहुत बड़ी आयु में उसने शादी की थी और अपने से बड़ी औरत से शादी की थी। तब डाके बड़ा डाले जाते थे, उस औरत ने कहा अच्छा है नौजवान है तेरे ये सहायता करेगा। था तो बेचारा उसका बेटे के समान, पर उसने शादी कर ली, हुआ एक बच्चा, कहते मर गया, औरत भी मर गई। ध्यान दीजिएगा, उसने कहा मैं अब पूरे रेगिस्तान का सम्राट बन जाऊं, हर व्यक्ति मेरा गुलाम बन जाए, मेरी फौज में भर्ती हो जाए, मैं नक्शा बदल दूंगा और उस व्यक्ति के जन्म से पहले वहां पर औरतों का राज होता था, तब औरतें आदमियों को गुलाम रखती थी। इसने कहा नहीं, हम औरतों को गुलाम बना देंगे। सदाचार नहीं, न्याय नहीं, उल्टा असर। और इसने लोगों को कहा मेरे पीछे आओ, लोगों ने कहा क्यों आए? बोले इसलिए आओ कि मैं खास बंदा हूं, मैं रब का खास बंदा हूं। बोले इसमें क्या है, प्रमाण क्या है? बस ने प्रमाण ढूंढ लिया, उठकर एक पोथी लिख दी, ये देखो मैं खास बंदा हूं। बोले फिर इससे क्या फर्क पड़ता है, तेरे साथ आने में क्या लाभ है? अरे मेरे साथ रहोगे लूट का चारपटा बाज भाग तुम्हें दूंगा, धन दौलत हीरे मोती, दौलत औरतें दूंगा, ऊपर स्वर्ग मिलेगा, मरते समय आनंद होगा। क्या बात कर रहे हो, आओ मेरे साथ। महामूर्ख थे, भूखे मरते थे, कपड़ा मिलता नहीं था और इतने गरीब बुरी हालत लुटेरे थे, औरतें शादी नहीं करती थी। इन्हें कहा नौ नौ मिलेंगी, दस दस, बहत्तर, फौज में भर्ती हो गए। याद रखो, इस अज्ञान ने इस विश्व को आतंकवाद दिया है। गलत विचार जीवन की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। आपके घर में लड़ाई झगड़ा अधिक इसलिए नहीं होता कि आपके घर में रोटी कपड़ा मकान की कमी है, इसलिए होता है कि विचार नहीं मिलते। विचारों के प्रदूषण ने इस धरती पर कोहराम मचा रखा है, आतंकवाद लाया है। इसलिए यदि रोटी अकेले खाने में पाप है तो विचार, अच्छे विचार अकेले लेने में महापाप है। क्योंकि आज धरती के लोग अच्छे विचारों के अभाव में पीड़ित हैं, और काश वे विचार मेरे भारतीयों को मिल जाते और भारत के तथा कथित पंडे पुजारी पाखंडी उन्हें ज्योतिष भाग्यवाद में ना उलझाते, जड़ पूजा में ना उलझाते, तो आज भारत कभी भी गुलाम ना होता, भारत में गौएं ना कटती, भारत में कभी शराब की नदियां ना बहती और भारत में मेरी माताएं बहनें ना बिकती। इसलिए भाग्यवाद से बचना जरूरी है, ध्यान रखना इस बात को। मैं एक और घटना आपको मूल्यवान सुना रहा हूं। एक जगह ज्योतिषी पहुंचा, सारी माताएं बहनें उधर दौड़ी, माताओं की आदत है,
हम कभी कभी गाड़ी में बस में सफर करते हैं ना, तो हमें देखकर धीरे धीरे आगे आ जाएंगी, महाराज जी, पंडित जी, आप जानते हैं ना। मैं कहा क्या क्या जानते हैं? नहीं नहीं, आप पढ़ लेते हैं ना। मैं कहा क्या पढ़ लेते हैं? हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत? नहीं नहीं नहीं, थोड़ा आप ये रेखा हाथ देख लेते हैं ना। मैं कहा हाथ क्या माता जी, मैं तो माथा ही देख लेता हूं। नहीं, जो कुछ आदमी के माथे से पता चलता है वो हाथ से पता नहीं चलता। आदमी की आंख बता देती है क्या कर रहा है, आदमी का चेहरा बता देता है ये कहां पहुंचा हुआ है, ये बैठा यहां पर, इसको चिंता घर की है, ये देर हो रही है, ध्यान रखिएगा। बस इस पखंड में, और इनको बहकाना कितना सरल है पूछो मत, एकदम ये बहक जाती है। अरे समाज का सत्संग चल रहा था, एक परिवार में हमारे विद्वानों का भोजन था, और उस परिवार की युवती वो सत्संग भी आ नहीं रही थी। अब माता पिता ने श्रद्धा पूर्वक भोजन खिलाया और पूछा कि आपकी बेटी तो आ नहीं रही है। उसने कहा क्या करें, ये तो हमारी बात सुनती नहीं है, कुछ आप ही कहिए। उसने कहा बेटी सत्संग में आया करो। उन्होंने कहा महाराज जी मैं बहुत पढ़ती रहती हूँ, मैंने बहुत पुस्तकें पढ़ी हैं, मेरी धर्म में बड़ी रुचि है, मैं प्रवचन भी बहुत सुनती हूँ। बोले तो बहुत आगे है, मतलब ये कह रही है मैं सब कुछ जानती हूँ आपकी जरूरत। मैंने कहा बेटी वास्तव में तुम बहुत ही अच्छी हो, और तुम बहुत पढ़ी लिखी भी हो, और तुम्हारा माथा भी ये बात कहता है, बस एक थोड़ी सी गड़बड़ लगती है, अगर वो ना होती बेटी तो वास्तव में तुम तो बहुत महान होती। चलो कोई बात नहीं, अच्छा हम चलते हैं। अब इसके चक्कर में फंस गया, एक बात ना होती तो। अब वो पंडित जी तो चले गए भोजन करके दोपहर में, शाम को पिताजी निकलने लगे भी चलो आर्य समाज में वेद कथा हो रही है, और इस धरती पर यदि वेद की कहीं कथा होती है, प्रभु की वाणी की कथा होती है, उस धर्म की कथा होती है जिसे ब्रह्मा शिव राम कृष्ण मानते थे, तो केवल आर्य समाज में होती है। और जब तक कोई आर्य समाज में नहीं रहता वो थोड़ा बहुत मूर्ख रहता ही है, थोड़ा बहुत क्या, बड़े बड़े मूर्ख रहते। मैं जिस पायलट की बात बता रहा हूं, जिन हाथ दिखाने वालों की बात बता रहा हूं, अगर ये युवक, अगर ये बालक, अगर ये पायलट, अगर वो मरने वाला इंजीनियर कभी अपने माता पिता के साथ आर्य समाज में आ गया होता तो शायद वो मरता नहीं, उस पखंडी को भगा देता। ये कारण ही यही है, ध्यान रखिए। तो सायंकाल खैर पिताजी आने लगे तो बेटी कहने लगी पिताजी मैं भी चलती हूं। उन्होंने कहा जरूर चलो बेटे, चलो चलो। आप बड़े ध्यान से वेद मंत्र की कथा हो रही थी, इसने बड़े ध्यान से सुनी है, अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्केयम तन्मेराध्यताम इदम अहमनरेतात सत्यम उपैमि। परमात्मा का एक नाम है व्रतपति, वो व्रतों का पालन करने वाला है, सारे संसार के नियम उस भगवान ने बनाए। व्रतम चरिष्यामि, उस परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है, सानिध्य मिलता है, शक्ति मिलती है, सहायता मिलती है। किस व्यक्ति को? जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य को लाता है। इसलिए प्रभु क्या कहता है, अनृतात सत्यम उपैमी, तुम भी संकल्प करो कि आज से असत्य को, पाखंड को, भाग्यवाद को, जड़ पूजा को, नशों को, मांस शराब को छोड़कर पवित्र ईश्वर के वेद ज्ञान के अनुसार जीवन व्यतीत करोगे। मनुष्य इसलिए महान नहीं है कि उसके पास बुद्धि है, यह बुद्धि एक चींटी के पास भी है, एक चूहे के पास भी है, बिल्ली के पास भी है, कुत्ते के पास भी है, भेड़ और गधे के पास भी है। गधे की एक और पानी और दूसरी और शराब रख दी जाए तो गधा शराब की ओर नहीं जाता, पानी की ओर जाता है, दो टांग वाला भला ही चला जाए। एक तरफ मांस और एक तरफ घास रखा हो तो भेड़ कभी मांस की ओर नहीं जाती, घास की ओर जाती है। एक और गुड़ और एक तरफ नमक रखा हो तो चींटियां नमक की ओर कभी नहीं जाती। और यदि किसी कमरे में मावे की बनी हुई बिल्ली रखी हुई हो और बिल्कुल रंग ऐसा हो जैसे असली बिल्ली है,
तो आप जानते हैं वहां यदि चूहा आ जाए तो उस बिल्ली को खाएगा या डरकर भाग जाएगा? खाएगा, भागेगा नहीं। जिस बिल्ली का रंग रूप बिल्कुल असली है, आंखें चमक रही हैं, चूहे ने दूर से देखा बिल्ली बैठी है, भलाई बनी हुई वो मावे की है, तो चूहा डरकर भागेगा या खाएगा? आप संशय में हैं, दो चार व्यक्ति इधर उत्तर दे रहे हैं और इधर बहुत सी युवतियां बैठी हैं, उनको कुछ पता नहीं, माताओं को कुछ पता नहीं, क्योंकि इस धरती पर अधिकतर पाखंड और भाग्यवाद इनसे ही चलता है। जो भी बाबा कोई नया चमकता है वहां सबसे ज्यादा भीड़ इन माताओं की मिलेगी। जबकि महर्षि देव दयानंद ने इस देश के भाग्य को बनाने के लिए लिखा कि माता इस समाज की पहली गुरु है, और ये पहली गुरु उत्तर नहीं दे रही, और इसीलिए ये अब तक जड़ पूजा में फंसकर अपने जीवन को विनष्ट कर रही है। बहकाने वाला चाहिए, बहकने वालों की कोई संख्या की कमी नहीं है, और इसी कारण भारत गुलाम हुआ था। विदेशी हमलावर आए और हम हाथ जोड़कर जड़ वस्तुओं के समक्ष खड़े हो गए, प्रभु प्रकट हो जाओ, लीला दिखाओ। और बहुत से लोगों ने कहा जो भाग्य में लिखा हुआ है जरूर प्राप्त होगा। हो गया, क्या हुआ? तुम्हारा कत्लेआम, माताओं बहनों का अपमान, शील हरण, अरबों रुपए की धन संपदा इस देश से लूट कर वो अपने देश में ले गए। सुंदर सुंदर लड़कियों को, युवतियों को, महिलाओं को रस्सी से बांध कर ले गए और भाग्य धरा धराया रह गया। काश यदि हमारे देश के लोगों ने अपने जीवन के भाग्य को मुट्ठी में समझा होता और वेद के इस मंत्र के अनुसार जो मैं अभी बोल रहा था कर्म किया होता, तो भारत अब भी सोने की चिड़िया और विश्व का गुरु होता। ध्यान रखें इस बात को। परमात्मा कहते हैं कर्म करो, जब तक जियो कर्म करो, भाग्य के भरोसे मत बैठो। सत्य सनातन वैदिक धर्म जो मानव धर्म है, वह वेद है जिसके चार भाग हैं, ऋग यजुर साम अथर्व, ऋग ज्ञान कांड, यजुर कर्म कांड, साम साधना कांड, अथर्व सुरक्षा कांड, विज्ञान कांड। और वेद के लगभग 20,000 मंत्र हैं। 20,000 मंत्रों में एक भी ऐसा मंत्र नहीं है जो भाग्य के भरोसे बैठने की शिक्षा देता हो। ध्यान रखना इस बात को। लेकिन मेरा देश भाग्य के भरोसे बैठकर पतन की ओर ही गया है, बर्बाद ही हुआ है, गुलाम ही बना रहा। लाखों गौओं की हत्याओं का पाप ढो रहा है, बूचड़ खाने बढ़ते जा रहे हैं, देश के गद्दार नेता बढ़ते जा रहे हैं। गौओं को मरवाने और खाने वाले इस देश में उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, देश के गद्दारों के द्वारा संसद पर हमला किए जाने पर भी यहां के वैज्ञानिक राष्ट्रपति भी छोड़े जा रहे हैं। और जब कार्यकाल पूरा होता है तब बाद में धीरे से कह देते हैं, क्या
ये अफजल खां की फांसी वाला पत्र तो मेरे पास आया ही नहीं। महाराज, नीचे से ऊपर तक की तुम उड़ान की बात करते हो, ज्ञान और विज्ञान की चर्चा करते हो, अग्नि मिसाइल की चर्चा करते हो, तो तुम अपने पड़ोसी से पूछ नहीं सकते थे कि वो पत्र कहां रुक गया? इससे अधिक कोई शर्म की बात नहीं हो सकती। क्यों? कि देश की जनता भी जो दिन रात शिव के, राम के, कृष्ण के गीत गाती है, दयानंद की जय जयकार करती है, वेद भगवान की जय करती है, वो भी हाथ पे हाथ रखकर बैठी हुई है कि जो भाग्य में होगा वो मिलेगा। अर्थात तुम्हारे भाग्य के निर्माता ये देश के गद्दार हैं, जिन्होंने गत 60 वर्षों में धारा 44 के अनुसार समान कानून संहिता लागू नहीं की। एक तरफ दो बच्चे का विधान और एक तरफ खुली छुट्टी 50 का विधान, ये आपके भाग्य का परिणाम है, आलस्य का परिणाम है। जरा विचारिए, दो बालक 50 बालक, ऐसे लोग हैं अब भी हैं, और उसके पश्चात ये कहा जाता है कि भारत के अंदर चुनाव बिल्कुल पारदर्शी होता है। आओ हम आपको इसकी वास्तविक स्थिति का प्रदर्शन कर देते हैं कैसा पारदर्शी है। दो व्यक्तियों को कहा गया तुम्हारी दोनों की रेस होगी, प्रतिस्पर्धा में खड़े हो जाओ। खड़े हो गए, एक व्यक्ति खड़ा है भागने के लिए पैदल और दूसरा खड़ा है भागने के लिए गाड़ी पर। क्यों जी? जो पैदल भाग रहा है दो टांगों से, वो 50 की स्पीड से भागने वाली गाड़ी से कभी पार पा सकता है? कभी आगे निकल सकता है? ये मेरे देश की भोली भाली मूर्ख जनता भाग्य के भरोसे कब तक बैठी रहेगी? कब इन अन्यायकारियों को, कब इन भ्रष्टाचारियों को ललकारेगी और अपने अधिकार की मांग करेगी, समान कानून संहिता की मांग करेगी? कब वो दिन आएगा? विश्रुयस्व स्वकर्मणा, अरे अपने कर्म से अपनी स्तुति को प्राप्त करो, अपने कर्मों द्वारा अपने मान को सिद्ध करो। भाग्य के भरोसे मत बैठो, सिवाय अपमान के, हानि के, दुर्गति के कुछ भी हाथ लगता नहीं है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। क्या गऊएं कट रही हैं, इनके भाग्य में लिखा है? एक व्यक्ति कहने लगे, हमें दिल्ली में रहते हैं, बहुत ऊंची कोठी में रहते हैं, कहने लगे मेरा तो ये पक्का विश्वास है जो कुछ होता है सब लिखा हुआ होता है और भाग्य के भरोसे होता है। तो मैंने कहा अगर मैं तुम्हें इस समय यहां से धक्का दे दूं नीचे तो तुम क्या कहोगे? अगर तुम मर जाओगे कहोगे भाग्य में लिखा हुआ है, और अगर मैं धक्का ना दूं तो तुम कहोगे नहीं लिखा हुआ। क्या तुम अपने भाग्य की पोथी दिखा सकते हो कि 5 मिनट के पश्चात तुम्हारे साथ क्या होने वाला है? मैंने कहा भोले भाई ये बताओ, आज सूर्य उदय होने से पूर्व लाखों गौएं कत्ल कर दी जाती हैं, क्या यह भी उनका भाग्य है? विचार कीजिए आप। भारत की दुर्गति, भारत में आतंकवाद, भारत के बच्चों के चरित्र का शोषण, क्या यह सब कुछ यहां के लिए है, उनके लिए नहीं है? चरित्र के स्थान पर समलैंगिकता का प्रचार किया जाता है, ब्रह्मचर्य के स्थान पर आज बच्चों को काम शिक्षा, बच्चों को विद्यालय में बच्चा पैदा करने की शिक्षा दी जा रही है। दुर्भाग्य है या भाग्य? विचार कीजिए।
बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो तुम्हें दोबारा गुलाम बनाने के लिए रचा जा रहा है, उसको समझो। इसलिए मैं आपको बता रहा था, महातपस्वी शंकर ने कभी भाग्य की बात नहीं की, पुरुषार्थ की। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने पुरुषार्थ की बात की और योगेश्वर कृष्ण ने पुरुषार्थ की बात की। ध्यान रखना इस बात को, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म। ये नहीं कहा जो भाग्य में लिखा मिलेगा, ये कहा जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे। हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहोगे तो मर जाओगे। बिल्ली आ रही है, कबूतर ने आंख बंद कर लिया भाग्य के भरोसे, मैं देखता ही नहीं, ना मैं इसको देखूं ना ये मुझे देखे। अरे महामूर्ख, तू भलाई ना देख पर ये तुझे नहीं छोड़ेगी। ना जाने तुम्हें कितने बिल्ली और कितने बाबर जैसे बिल्ले चाट गए, पर तुमने आंख नहीं खोली। खोल लो अब तो आंख, मेरी ऋषि ध्यान आपको जगाने आया है, वेद का संदेश सुनाने आया है। और वेदवाणी कहती है, मानव मात्र को कहती है, भारत देश की ऋषि संतानों को कहती है, रिते शांतस्य न सिखाए देवा। परमात्मा स्वयं कहता है, मैं बिना पुरुषार्थ के किसी व्यक्ति की सहायता नहीं करता। और यदि सब कुछ परमात्मा ने करना था, भाग्य के भरोसे होना था, तो फिर हमें वेद ज्ञान देने की क्या आवश्यकता थी उस भगवान को, इस मस्तिष्क की क्या आवश्यकता थी, दो हाथों की पैरों की क्या आवश्यकता थी, और इन चार विद्याओं से युक्त अनादि वेद ज्ञान देने की क्या आवश्यकता थी। अरे भगवान अपने आप ही तो कर लेता सब कुछ। इसलिए अज्ञान को दूर कीजिए, अनृतात सत्यम उपैमी का पाठ पढ़िए, ज्ञान का प्रकाश कीजिए, पुरुषार्थ का प्रकाश कीजिए, और वेद के शब्दों में कहिए कि भाग्य मेरी मुट्ठी में बंद है। हम बहुत छोटे थे, संभवतः चौथी या पांचवी कक्षा में पढ़ते थे, तो हमें विद्यालय में एक गीत सिखाया गया था जिसकी एक दो पंक्तियां मुझे अब भी स्मरण है। नन्ने मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है, हमने भाग्य को बस में किया है। आप क्या सिखाते हैं, सीखा करो, और यही अपनी संतानों को सिखाया करो। पर आजकल की संतानें पतित हो रही हैं, प्रतिदिन दूरदर्शन पर भाग्यवादियों के षड्यंत्र से युक्त होकर। मैं एक विद्यालय में गया, एक बालक खड़ा था, बड़ा ही दुबला पतला। मैं कहा बेटे बात सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? बोले रामचंद्र। मैं कहा रामचंद्र तो बड़े बलवान थे, बड़े ऊंचे थे, बड़े तेजस्वी थे, नाम तो तुम्हारा बड़ा सुंदर है, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? कहता है जी मैं दसवीं में। मैंने कहा शक्ल सूरत तो लग नहीं रही दसवीं वाली, तुम तो यूं लग रहा है जैसे सातवीं में पढ़ते हो। मैं क्या करूं? मैं कहा क्यों, क्या बात हो गई? मेरे भाग्य में ही ऐसा लिखा हुआ है, मैं कमजोर ही रहता हूं। मैंने कहा अच्छा, शरीर से कमजोर कोई बात नहीं, तुम्हारे अंक कितने आते हैं? बस मैं पास हो जाता हूं, क्या करूं, मेरा भाग्य ही ऐसा है। मैंने कहा चलो, पढ़ने में तुम कमजोर हो कोई बात नहीं, शरीर ज्यादा तुम्हारा बलिष्ठ नहीं, अरे कुछ खेलते भी हो? कह लगे हाँ, मैं कभी कभी दौड़ता हूं पर मैं पीछे ही रह जाता हूं क्योंकि मेरे भाग्य में लिखा हुआ है। क्यों जी, इसकी दवाई है आपके पास? मेरे पास है। और जिसका भाग्य खराब हो या बैठे हुए का, वो आ जाए मेरे पास, अभी ठीक कर दूंगा। मैंने कहा बेटे मैं तेरे भाग्य को ठीक कर देता हूं। कहता हाँ बहुत अच्छा रहेगा। मैं कहा आगे आओ। जैसे आगे आया मैंने एक थप्पड़ उसके मुंह पे मारा। कहता ये क्या किया? मैं कहा ये भी तेरे भाग्य में लिखा हुआ है।
आई बात समझ में कि देख कहां लिखा हुआ है, मैंने जहां और सब कुछ लिखा हुआ है। तुझे किस मूर्ख ने बहका दिया कि तू कमजोर ही रहेगा है और तू कभी पढ़ाई में भी आगे नहीं बढ़ेगा, तू खेल के मैदान में भी पिछड़ जाएगा, कहां लिखा है ये? मैंने कहा नादान बालक, जब मैं पैदा हुआ था मैं हड्डियों का ढांचा था, मुझे अनेक प्रकार के रोग थे, मैं रात को बैठकर नींद लेता था थोड़ी सी और सारी रात मेरी ऐसे ही कटती थी। भारत के अनेक हकीम अनेक डॉक्टर हाथ खड़े कर गए थे, हम इसका स्वास्थ्य नहीं ठीक कर सकते। माता पिता दिन रात परेशान रहते थे, ध्यान रखना, इतनी मालिश होती थी, श्वास रोग और ना जाने क्या क्या रोग। पर मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे ये रोग भाग्य में मिला है और मेरे भाग्य में कमजोर रहना है। अरे मैं तो दयानंद का सिपाही हूं, मैंने तो एक ही बात सीखी है कि हम पुरुषार्थ से ज्ञान से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। मैंने प्राणायाम करना प्रारंभ किया, गाय का दूध पीना प्रारंभ किया, प्रातःकाल उठना प्रारंभ किया, 5 बजे से पूर्व नित्य योगाभ्यास प्रारंभ किया और मैंने अपना नक्शा बदल दिया। और तुम भी अपने नक्शे चौखटे को बदल सकते हो, बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। आज तक मैंने अपने साथ रहने वाले किसी व्यक्ति को कमजोर और बदसूरत नहीं छोड़ा, अगर वो ईमानदारी से मेरी बात मान ले तो। पक्की बात कहता हूं, 40 दिन के बाद उसका नक्शा बदलना शुरू होगा अगर वो मेरी बात मानेगा तो। एक बहन कहती आप ऐसी बात करते हैं, मैंने बहुत प्रयास किया, मेरा स्वास्थ्य नहीं बनता, मैं बहुत ही पतली हूं। मैं कहा तुम बिल्कुल ठीक हो सकती हो, क्या खाती पीती हो ये बता दो। मैं चाय 5-6 बार पीती हूं। मैं कहा सबसे बड़ा पाप तो तुम यही कर रही हो, तुम चाय में डूबी हुई हो, कैसे बच सकती हो? चाय कमजोर को कमजोर बनाता है, मोटे को और मोटाता है। और सज्जनों उसने जब मेरी बात मान ली, चाय पीनी छोड़ दी और मेरी दिनचर्या को स्वीकार कर लिया, बिल्कुल उसका शरीर ठीक हो गया, वो हड्डियों की ढांचा भी नहीं है और मोटी भी नहीं है, बहुत सुंदर शरीर हो गया। ये पक्की बात है, आपका भाग्य आपकी मुट्ठी में, आपकी विद्या आपके पुरुषार्थ में, आपकी आयु निश्चित रूप से, आपके ज्ञान पूर्ण अभ्यास में। यूं नहीं है कहते आप बिल्कुल विश्वास नहीं करते भाग्य पर। मैंने कहा नहीं नहीं, अगर तुम कुछ बात बताओ तो शायद कर भी लूं, कोई है काम की बात। अच्छा ये बताओ, अगर आप भाग्य को नहीं मानते तो ये हाथ में रेखाएं क्यों होती? मैंने कहा मेरे भाई क्या कहूं मैं तुझे, अकल बंद कहूं या अकल मंद कहूं या अकल का कोलू कहूं? कहते नहीं जी कुछ भी कह लो पर बताओ तो सही ये रेखाएं क्यों है। इसी को तो देखा जाता है, इसमें आयु है, इसमें धन है, यहां पर बच्चे हैं, मैंने अपना तो एक भी नहीं हुआ है, दयानंद का भी एक नहीं हुआ, उसकी भी बड़ी लाइनें थी। और कितने बाजार में ऐसे घूमते हैं बेचारे, मांग मांग कर गुजारा करते हैं, उनका भी कोई नहीं हुआ है। कहने लगे आखिर ये रेखाएं क्यों हैं? अरे मैंने कहा मंद मूड मती, ये रेखाएं भाग्य की नहीं है, ये हाथ मुड़ता है तो रेखाएं पड़ जाती हैं। देखो ऐसे उंगली मुड़ेंगी रेखाएं तो पड़ेंगी। मैंने कहा देख तेरी पेंट में भी रेखा है, जब तुम देर तक बैठोगे जहां से पेंट मुड़ेगी वहां से रेखा पड़ जाएगी, जहां से कमीज मुड़ेगी रेखा पड़ जाएगी। मैं कहा ये रेखाएं जूते में भी हैं, जहां से जूता मुड़ता है जूते के ऊपर रेखाएं पड़ जाती। एक आर्य विद्यालय में पढ़ने वाला नौजवान सुबह सुबह उसके पास टाइम था, एक ज्योतिषी के पास चला गया, उन्होंने कहा थोड़ी देर मजा ही ले लेते हैं। जाके पहुंचा, ज्योतिषी का वाह वाह प्रातःकाल अच्छी वेला है, बोनी हो जाएगी, बड़ा प्रसन्न दिखाई दिया। नौजवान अच्छे परिवार का था, खूबसूरत था, एकदम मोटरसाइकिल से उतरा। उन्होंने कहा ज्योतिषी जी पता लगा कि आप सब कुछ बता देते हैं। हाँ बेटे सब कुछ बता देता हूँ। बोले बेटा बेटा मत कहना, मैं तुम्हारा बेटा बेटा नहीं हूँ, अगर तुम ये विद्या जानते हो तो और बात है, और तुम जानोगे तब मैं कुछ मानूंगा। बोले अच्छा आप क्या पूछना चाहते हैं? बोले मैं आयु जानना चाहता हूँ। तो बोले आओ
वो आगे आ गया। उन्हें कहा दिखाओ, उसने अपना जूता आगे कर दिया। उसने कहा क्या कर रहे हो? बोले जूते के ऊपर जो रेखाएं पड़ गई हैं इसको देखकर बताओ कि मेरा जूता कितनी देर चलेगा। आई बात? जब सुबह सुबह जूता देखने का ज्योतिषी को अवसर मिला तो बुद्धि गर्मा गई है। अगले दिन फिर वो नौजवान आया, उसने देखा कि जा चुका है। याद रखना ऐसे लोगों का यही उपाय है, पर प्यार से करना, झगड़ा मोल मत ले लेना। ध्यान रखना कोई रेखा विद्या की नहीं है। एक बालक जिसके कम अंकारे थे वो किसी मूर्ख ज्योतिषी के पास चला गया। उन्होंने कहा गुरुजी मेरे अंक बहुत कम आते हैं। ओहो ये बात है, विद्या की रेखा बड़ी छोटी है। उन्होंने कहा गुरुजी अब क्या करूं मैं? बोले बस क्या कर सकते हैं, तुम्हारे जन्म से ऐसी रेखा है, लंबी होती तो ज्यादा होता ही। घर आया, अपने बड़े भाई का ब्लेड लिया और काटकर रेखा लंबी कर ली, जो दो चार अंक आने से उससे भी छुट्टी हो गई, पूरा ही फेल हो गया। ये रेखा लंबी करके बैठा है। एक नादान व्यक्ति पूछता है अच्छा हाथ की रेखाएं तो बेकार हैं, ये बच्चे कच्चे भी, लड़का लड़की वाली भी, मान ली आपकी बात ठीक नहीं है क्योंकि ये रेखाएं तो बंदर के भी होती हैं, है? ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बताओ ये अंगूठे की रेखाएं अलग क्यों हैं? बहुत अच्छा प्रश्न। कहता अंगूठे की रेखाएं सबकी अलग हैं, इसमें जरूर कुछ राज छिपा हुआ है। हाँ मैंने कहा बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है, पर जो तुम विचार कर रहे हो वो नहीं छिपा हुआ। ध्यान रखना इसमें भाग्य वाग्य कुछ नहीं छिपा हुआ। भाग्य के भरोसे बैठोगे तो यही मिलेगा और तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता, ये टेंट हुआ। कहता फिर छिपा क्या हुआ है? मैंने कहा परम पिता परमात्मा का अद्भुत विज्ञान छिपा हुआ। कहते वो क्या? मैंने कहा इस धरती पर इस समय लगभग 6.5 अरब व्यक्तियों का वास है। कितना? 6.5। और ईश्वर की अपार कृपा, सर्वशक्तिमान निराकार पिताओं के पिता, माताओं की माता, वो परम पिता परमात्मा की कितनी कृपा है कि एक व्यक्ति का अंगूठा दूसरे से नहीं मिलता। और अगर ये मिल जाए तो क्या हो? है चोरी करके आए कोई और पकड़े जाएं आप, बस रोज यही करते रहना। पैसा लेना आपने, अंगूठा मारा किसी और ने और तुम्हारा पैसा चला गया उसके पास। आज चाहे विज्ञान ने कितनी भी उन्नति कर ली है पर अभी भी कचहरी के अंदर जब रजिस्ट्री बनती है ना तो अभी भी ठप्पा लगाया जाता है। ये प्रभु की अपार कृपा है कि उसने हर व्यक्ति की अलग पहचान रखी है। अगर जीवन की कोई भी पहचान मिट जाए, चेहरा ना बचे, याद रखना हाथ ना बचे, शरीर का अंग ना बचे, अगर एक अंगूठा ही बच जाए तो पता चल जाएगा ये व्यक्ति कौन था। ये कितनी बड़ी कृपा है भगवान की कि हर व्यक्ति को पहचान दी। बाकी इसके सिवाय इसके अंदर कुछ नहीं है। ऐसे ही प्रभु ने हमारे शरीर में एक और वस्तु भी दी है, उसकी चर्चा कल करेंगे। और जो वस्तु किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलती और वो व्यक्ति उठकर भी चला जाए तो उसका पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति बैठा था। ये भी भगवान की कृपा है। आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ व्यक्ति कहने लगे हमने तो अपनी जन्म पत्री कंप्यूटर से बनाई है। तो मैंने कहा भैया कंप्यूटर भी मनुष्य बनाते हैं, जो कुछ फीड करेंगे आप सॉफ्टवेयर के द्वारा वो कंप्यूटर में आ जाएगा, वो आपकी जन्म पत्री में आ जाएगा। बात तो वहीं रही, वहां हाथ से व्यक्ति ने बनाई और यहां कंप्यूटर के द्वारा व्यक्ति ने बनाई। एक परिवार को मैं जानता हूं, पढ़ा लिखा है, सूझबूझ वाला है, बहुत अच्छा है, बेटा बड़ा योग्य है, इंजीनियर है, लगभग 1,00,000 रुपया मासिक वेतन है, 1,00,000। बालक को कोई किसी प्रकार का व्यसन नहीं, शराब नहीं, बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, मांस नहीं, अंडा नहीं, केक नहीं, पेस्ट्री नहीं। परंतु पिछले 6 वर्ष से उस बालक का विवाह नहीं हो रहा, नहीं मंगलिक भी वो नहीं है, बिना मंगलिक के। हमने उसके माता पिता को पूछा भाई इसका आप विवाह क्यों नहीं करते?
कहने लगे प्रयास कर रहे हैं। मैं कहा कैसा प्रयास कर रहे हो, हमें भी बता दो किस ढंग का प्रयास। मैंने जब उनके प्रकोष्ठ में जाकर देखा तो इतनी मोटी जो लड़कियों की आई हुई थी एप्लीकेशंस, उनके पत्र पत्रिकाएं, इतनी बड़ी तय लगी थी। और ये तो कुछ ही दिनों की थी, बाकी का तो हिसाब और है लंबा चौड़ा कि कितने बंडल बन बन के वो फेंक चुके थे। मैंने कहा सब क्या कर रहे हो आप हैं, कि आपको इसके योग्य कोई लड़की नहीं मिली। अरे अभी भी अच्छे परिवारों की लड़कियां हैं, शाकाहारी हैं, पढ़ी लिखी हैं, सुंदर हैं, सुशील हैं, निरोग हैं, चरित्रवान हैं, प्रभु भक्त हैं, कोई भी लड़की से विवाह कर दो ना, क्या देखते हो तुम, जाति पाति देखते हो। बोले नहीं, जाति पाति को भी हम नहीं मानते। मैंने कहा फिर देखते क्या हो। बोलो गुण नहीं मिल रहे, गुण, ये गुण नहीं मिल रहे। मैं वो क्या होता, कागज नहीं मिल रहा। अरे मूर्ख, ये लड़का लड़की को खड़ा करके उनको मिला। शादी लड़के और लड़की ने करनी है या कागजों ने करनी है या पत्रियों ने करनी है, कहां तुम्हारा दिमाग लगा हुआ है और किस तरह से आप इस पाखंड में फंसकर अपने आप को दुखी कर रहे हो, ध्यान रखना। आखिर क्या होता है बहुत से लोगों के साथ, क्या होता है, वो लड़के और लड़की के गुण कर्म स्वभाव तो नहीं मिलाते जो ऋषि ध्यान ने कहा है। क्या करते हैं वो, पत्री के गुण मिलाते हैं। क्या परिणाम निकलता है, हजारों परिवार में ऐसे बता सकता हूं जहां आज लड़कियां परेशान हैं अच्छे परिवारों की, क्योंकि उनका गुणकर्म स्वभाव उस लड़के से नहीं मिलता जिसके साथ शादी हुई। और हजारों लड़के भी परेशान हैं जिनके मूर्ख माता पिता ने उनके गुणकर्म स्वभाव से लड़की का चुनाव नहीं किया। लड़की का क्या स्वभाव है, उसकी क्या रुचि है, वो क्या सोचती है, कैसे काम करना चाहती है, वो देखना चाहिए। एक बहन बहुत अच्छी, मैं वर्षों से जानता हूं, बड़ा आग्रह किया आचार्य जी बेटी बड़ी हो गई है कोई योग्य वर चाहिए। मैंने स्मरण किया एक बालक बड़ा योग्य, मैंने उसको बुलाया, वो आ गया, कन्या के घर में आ गया, हमारे कहने से आ गया। मैंने इधर लड़की इधर लड़का बिठा लिया, कागज पेन ले लिया। बेटे को पूछा कब उठते हो, कहता है लगभग 5 बजे उठता हूं, उठ करके अपना उषापान जल पीकर पिताजी के साथ भ्रमण आदि को जाता हूं। मैंने कहा अच्छा बेटी तू कब उठती है, बोले लगभग 8 बजे उठती हूं, उठते ही चाय पीती हूं, उसके बाद मैं टीवी लगाती हूं। मिला लो गुण। मैंने कहा बेटे आप वापिस आकर क्या करते हो, कहने लगे कुछ स्नान व्यायाम करने के पश्चात हम 7 बजे संध्या और यज्ञ कर लेते हैं, 8 बजे प्रातःराश कर लेते हैं। हाँ, मैंने कहा तुम क्या करती हो, बोली 9-10 बजे तक मैं एक बार फिर चाय पीती हूँ, फिर घूम फिर के फिर थोड़ी देर बाद मैं तैयार होती हूँ और 10-11 बजे मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। अभी इसका ब्रेकफास्ट हुआ नहीं है, असल ब्रेकफास्ट के दो अर्थ होते हैं, ब्रेकफास्ट जल्दी से तोड़ दो, फास्ट ब्रेक। ये वो महामूर्ख। अच्छा, 2-4 मैंने और बातें पूछी, अच्छा बेटे तुम्हारी क्या रुचि है, बोले जब मैं खाली होता हूं आर्य समाज में जाता हूं, कुछ बस्तियों में जाता हूं, जो बच्चे पढ़ ले लिख नहीं सकते मैं उनको प्रेरणा देता हूं, गरीब है उन्हें पुस्तक देता हूं। मैंने कहा बेटी तुम्हारी क्या रुचि है, बोले जब मैं खाली होती हूं तो कहीं पिकनिक करती हूं, किसी कॉफी हाउस पे जाती हूं या कोई बढ़िया सी पिक्चर सहेलियों के साथ देख के आती हूं। मिला लो। खैर, रात्रि का मैंने नहीं पूछा, मैंने कहा कहीं और ही ज्यादा गड़बड़ हो जाए, समय भी मेरे पास कम था। मैंने कहा बेटी एक बात बताओ, ये जो बेटा आया है इसके परिवार में सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो क्या तुम उठने का प्रयास करोगी। कहती नहीं, मेरे बस में नहीं, मेरे को आदत नहीं है। अब आदत किसने डलवाई है, पैदा करने वालों ने, है, ध्यान रखना जो कुछ भी है। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, 2-4 दिन में तुम्हारी आदत ठीक हो जाएगी। बोले नहीं, ये होगी नहीं ठीक, होगी नहीं, मैंने करनी नहीं ठीक, हम नहीं सुधरेंगे। सीधी सी बात,
मैंने कहा अच्छा एक बात है कि अगर तुम्हें प्रातः काल जब हो जाए ये लोग उठ जाएं, अगर थोड़ा सा पानी का छींटा लगा दें फिर तो तुम उठ ही जाओगी। उन्होंने कहा ये क्या कह रहे हैं। वो रोती रोती उठी और कमरे के अंदर घुस गई, वो बिल्कुल ही उठ गई, स्थान ही छोड़ के भाग गई। मैंने उस बेटे को कहा बेटे ये कन्या तेरे योग्य, सदा घर में तेरे क्लेश रहेगा, ये है मिलाने का ढंग। तुम क्या मिलाते हो न जाने इन महामूर्खों ने, महामूर्ख माता पिता ने, महामूर्ख गुरुओं ने और इन पाखंडी भाग्यवादियों ने न जाने कितने घरों को ऐसे बर्बाद किया है, किया या नहीं। और जिन पाखंडियों पे तुम विश्वास करते हो उनकी गति बता दें। एक बड़ा प्रसिद्ध तांत्रिक पकड़ा गया, तिहाड़ जेल में डाल दिया गया, ऐसे गर्दन लटक गई, ऐसे हाथ लटक गए जैसे कि बारिश के अंदर बिल्ली भीग जाती है। दो दो आदमी उसको पकड़ के बाहर ला रहे थे। मैंने कहां गया तेरा तंत्र पंत्र, ये इन तांत्रिकों की दुर्गति है, दुष्टों की। थोड़ी सी सजा मिली नहीं और सारा तंत्र पानी बहकर निकल गया। इन पखंडियों पे विश्वास मत करो, ना जाने कितने तांत्रिकों ने अच्छे अच्छे भले मानस लोगों के घरों को बिगाड़ा है, पति पत्नी को लड़ाया है, ना जाने कितने दुष्ट कातिल तांत्रिकों ने किसी मां के बच्चा ना होने पर दूसरे बच्चों का खून करवाया है और उसके खून से उन्हें नहलवाया है, और ये सारा पाप उन्होंने ही किया है। समय का अभाव है, नहीं तो मैं ऐसे अनेक तांत्रिकों की एक सूची लंबी आपको सुना सकता हूं। कितने ही मूर्ख ऐसे लाल भुजक्कड़ हैं जिन्होंने कह दिया इन महिलाओं में भूत आ गया है, ये छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। और कितने ही ऐसे बहकाने वालों के कारण वहां पर सैकड़ों महिलाओं की जान ले ली गई। विचार करो, एक बालक को रोग था, ठीक नहीं होता था, उस अम्मा का तांत्रिक पे विश्वास था। वो तांत्रिक के पास ले आई और उसने कहा देखो मैं इसका भूत उतार दूंगा, इसलिए इसका बुखार नहीं जा रहा है कि इसको भूत ने गहरा पकड़ रखा है। और तुम बोलोगी नहीं बिल्कुल बुखार मैं ठीक कर दूंगा। उन्हें कहा मैं बोलूंगी नहीं, उसको बाहर निकाल दिया। तांत्रिक का धुना जल रहा था अग्नि का, इसने अपना चमटा डाला, गरम गरम करे बालक को लगाए, बालक चिल्लाए, जब बालक चिल्लाए तो माँ भी चिल्लाए और इधर से कहे शांत रह शांत, बस भूत निकलने वाला है। भूत ने तो क्या निकलना था, उस बालक के प्राण ही निकल गए। याद रखना इन पखंडियों ने क्या नहीं किया। फिर आपको बहकाते हैं, कभी मंगल कभी शुक्र कभी शनिचर चढ़ गया है। मैं आपसे पूछता हूं ये मंगल शुक्र शनि जड़ है या चेतन। इस समय आप एक ग्रह के ऊपर बैठे हैं, ये पृथ्वी है, आप इसके ऊपर बैठे हैं या आप पर बैठी है। चंद्रमा पर हम चढ़े या ये चढ़ा, मंगल पर हम गए या मंगल हम पे चढ़ा। कितनी मूर्खता की बात है। इस ब्रह्मांड में आत्मा और परमात्मा को छोड़कर सब कुछ जड़ है, अचेतन है, ज्ञानहीन है। केवल परमात्मा ज्ञानवान है और आत्मा ज्ञानवान है, इस बात को विचार के रखो। यदि कहीं सूर्य है निश्चित उसका प्रभाव पड़ता है, ये मैं मानता हूं। मैं ये भी मानता हूं कि चंद्रमा का भी प्रभाव पड़ता है, मंगल का भी पड़ता है, परंतु सब पर बराबर पड़ता है। ये नहीं कि चंद्रमा ढूंढ रहा है किसी खास व्यक्ति को और मंगल किसी खास लड़की को ढूंढ रहा है, उसको पकड़ूंगा। ये महामूर्खता छोड़ दो, वो सब जड़ हैं, नॉन लिविंग हैं, उनके अंदर सोचने की कोई शक्ति नहीं है। जिस समय पूर्णिमा होती है समुद्र उछलता है, आपने देखा होगा। जिस समय अमावस्या होती है समुद्र सुकड़ता है, प्रभाव पड़ता है, पूरे विश्व पर पड़ता है, हर प्राणी पर पड़ता है, पर एक समान पड़ता है, किसी पे अलग नहीं पड़ता, ध्यान देना। अगर किसी एक माता पर चंद्रमा का पूर्णिमा का प्रभाव पड़ता है तो इसका मतलब है वो पूरी मातृशक्ति पर पड़ता है। जिन तिथियों का संतान की प्राप्ति के लिए ऋषिवर देव दयानंद ने संस्कार विधि में निषेध किया है,
वो भौतिक प्रभाव सबके लिए एक बराबर पड़ता है। ये नहीं अमुक अंगूठी और ये पन्ना और माणिक के डाल लो के तो हट जाएगा। अगर हटना होता तो उस महामूर्ख और धूर्त चंद्रा स्वामी के एक एक उंगली में दो दो अंगूठियां थी, उसको तो बचाया नहीं है, उसको तो किसी हीरे मोती पन्ना ने बचाया नहीं, किसी जंत्र मंत्र ने नहीं बचाया। अरे ये जानता था उसको नहीं बचाया तो मैं कैसे बचाएगा। एक मंगलिक का बहुत चक्र है जिसके कारण आज हमारे परिवार बड़े दुखी हैं। नहीं जी, मंगलिक के साथ शादी नहीं होनी चाहिए, वो मृत्यु हो जाया करती है। सुनिए घटना, बनारस के ज्योतिषाचार्य, वहां पर ज्योतिष ही पढ़ाते, उनका नाम मुझे भी स्मरण नहीं। उनकी बेटी बड़ी हुई और उस बेटी को मंगलिक था, वो मंगली बेटी थी। ठीक, अब ये ज्योतिष आचार्य खोज करने लगे कि हमें एक ऐसा लड़का मिल जाए जो मंगलिक हो, जन्मपत्री मिल जाए, ताकि दोनों चिरंजीवी हो, सुखी हो। 6 वर्ष तक वो ज्योतिषाचार्य गवेषणा करता रहा। 6 वर्ष के पश्चात एक लड़का मिला, लड़का योग्य था, उस लड़के के साथ उसका विवाह किया गया। वो लड़का भी मंगलिक था। विवाह के 6 महीने के पश्चात लड़के की मृत्यु हो गई, ज्योतिषाचार्य की लड़की विधवा हो गई। कर लो मिलान, ध्यान रखना ऐसे कुछ नहीं होता। हम आपको एक उदाहरण देते हैं, यदि आप आर्य समाज से जुड़े हैं, आप यज्ञ करते हैं, गायत्री पढ़ते हैं, एक ईश्वर निराकार ओम पर विश्वास करते हैं, तो याद रखना दुनिया का कोई भूत प्रेत मंगल शनि आप पर असर नहीं कर सकता। ये असर उनका नहीं है, ये प्रभाव आपके कमजोर मन का है। ध्यान रखना, एक अध्यापक का विवाह नहीं होता था, एक रिश्ता आया, दूसरा आया, तीसरा गया, माता बुढ़िया, पिता है नहीं। माता एक दिन रो रही थी रात को 12 बजे, अध्यापक जी के कान में आवाज आई, तुरंत गए, पूछा, सर्दी के दिन थे, ऊपर से रजाई उठाई तो देखा अम्मा रो रही है। उन्होंने कहा क्यों रो रही हो? उन्होंने कहा बेटे मुझे ऐसा लगता है मैं तुम्हारा विवाह देखे भी नहीं मर जाऊंगी। बड़ा कष्ट हुआ उसको, अध्यापक को। उन्होंने कहा मां बस ये आखिरी रात है आज तेरे दुख की, अब मेरा विवाह शीघ्र हो जाएगा। बड़े आत्मविश्वास के साथ उन्होंने कहा। 2-4 दिन के पश्चात एक कन्या पक्ष वाले आए, अध्यापक जी ने अपनी जन्मपत्री दिखाई, उनको बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा बहुत अच्छी है, हम भी जल्दी विवाह चाहते हैं। उन्होंने कहा ऐसा महानुभाव मैं भी जल्दी चाहता हूँ, मेरी माता बुढ़िया है, मैं ये नहीं चाहता कि उसका स्वर्गवास हो जाए और बाद में कुछ और विघ्न पड़े, तो मैं भी जल्दी चाहता हूँ। तो बोले ठीक है हम तैयारी कर लेते हैं। तो बोले इस मास के अंदर अंदर विवाह कर लेते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, सब तैयारी हो गई, विवाह की वेदी बन गई और आकर के शेर सिंह जी उस पर बैठ गए, विवाह की पूरी रीति कर दी गई और शांति पाठ का जब समय आया तो पौराणिक पंडित ने कहा चलो अब शांति पाठ करेंगे और फिर वर वधु को आशीर्वाद देंगे। जब उसने ये कहा तो शेर सिंह जी बोल पड़े सेहरे में से, कहले रुको पंडित जी। सारे हैरान थे। उन्होंने कहा कुछ मंत्र और बोल लो। उन्होंने कहा मंत्र तो पूर्ण बोल दिए गए, पूरी विधि हो गई है विवाह की। बोले नहीं फिर भी मेरा कहना है कुछ और बोल दीजिए। बोले और क्या बोले? जो बोलना था बोल दे। बोले मैं आपको ठीक बात कह रहा हूं कि बोल दो अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा किस कारण से? वो कहने लगा मैं मंगलिक हूं। ओह, जैसे उसने कहा मंगलिक हूं, हड़कंप छा गया वहां तो पंडाल में। सब लोग उसको देखने लगे, जो लड़का ढूंढ के लाया था, क्या देखा तूने? बोले इसकी जन्मपत्री में ऐसा कुछ नहीं है। अब वो अध्यापक जी थे, वो शेर सिंह जी सज्जन थे, आर्य थे। उन्हें कहा आपस में झगड़ा ना हो जाए। उसने कहा शांत शांत शांत, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, जो मेरी जन्मपत्री मैंने दी थी उसमें मैं मंगलिक नहीं था, पर मेरी जो असली जन्मपत्री उसमें मैं मंगलिक हूं, क्योंकि मेरा विवाह नहीं होता था
तो मैंने किसी ज्योतिषी से पूछा कि ये टालने की विधि क्या है। उसने कहा जरा सा जन्म का समय आगे सरगा दो तो सारे ग्रह अच्छे आ जाते हैं। तो मैंने घर बैठकर अपनी जन्म पत्री बनाई है, ये मैं सत्य कहता हूँ, झूठ नहीं कहता हूँ, लेकिन अब विवाह तो हो ही चुका है, अब आप कर भी क्या सकते हैं। ध्यान रखिए, अब बड़ी समस्या थी। वो कहने लगे भी विवाह हो चुका पूरा, अब तो कुछ हो नहीं सकता। लड़की भेज दी, पर घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, शेर सिंह जी अब तक जीवित है, उनकी पत्नी जीवित है, उनकी बेटी जीवित है, उनका बेटा जीवित है, उनके दो बेटे हैं। और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक वैदिक धर्म का आर्य समाज का कार्य करते हैं। यदि आप आर्य समाज से वैदिक धर्म से जुड़ जाओगे तो आपके जीवन में किसी प्रकार का ये भूत भय भाग्यवाद का कोई दोष नहीं रहेगा, कोई शोक नहीं रहेगा। इस बात को आप पहचान लीजिए, जान लीजिए। मैं आपको यही बात समझाना चाहता हूं कि जीवन में परमात्मा पर विश्वास करते हुए शुभ कर्म करिए, निष्काम कर्म कीजिए, ऐसा कर्म कीजिए जो प्रभु की आज्ञा से किया गया हो। प्रभु की आज्ञा से किए हुए कर्म को ही निष्काम कर्म कहते हैं। अब बहुत से लोग एक और बात कहते हैं, वो भी मैं बता देता हूं। कहने लगे देखो जी, ये विवाह ऊपर लिखे जाते हैं हेवन में, पहली बात तो ऊपर कोई है नहीं। और एक बात मैं कहता हूं, जब आपकी बेटी का विवाह किसी बेटे के साथ लिखा गया है तो फिर दिन रात आप भागदौड़ क्यों कर रहे हो? अपने आप कोई पार्सल बनकर कॉरियर के द्वारा अच्छे लड़के का तुम्हारे द्वार पर आ जाएगा ना? नहीं नहीं नहीं, पुरुषार्थ तो करना ही चाहिए। मैंने कहा क्या कहा? मैं कहा जब लिखा गया है कि जो होगा वो ऐसा ही होगा तो तुम पुरुषार्थ क्यों कर रहे हो, चुप करके बैठे रहो? नहीं नहीं, पुरुषार्थ तो आदमी का धर्म है। मैं कहा तुम इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हो कि जो कुछ भगवान ने लिखा है उसे टाल दिया जाए? तुम भगवान के भी बाप हो, इसका मतलब तुम्हें भाग्य पर पूरा विश्वास नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास होता चुप करके बैठ जाते, अपने आप लड़का लड़की का पार्सल आपके घर पर आ जाता। ध्यान देना, अंतिम बातें कह रहा हूं बड़े पते की। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हमारी आयु भी भाग्य में लिखी हुई है, मर गया तो इसका लिखा हुआ था, नहीं मरा तो नहीं लिखा हुआ था। अच्छा भाई, एक बात मैं आपसे पूछूं, आप भी नगर के सब प्रबुद्ध व्यक्ति बैठे हैं, युवक युवतियां महिला पुरुष बैठे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा होकर बताए जिसका आज मरना नहीं लिखा हुआ, हम उसको मार के दिखा देते, बताओ कोई, बता दो आप, है कोई माई का लाल जो कहे मैं आज की रात जीऊंगा? उठाकर अभी कोयले वाले इंजन के अंदर डाल देंगे, ये 11,000 वोल्ट चल रही है बिजली के खंभे के ऊपर, इसके ऊपर फेंकेंगे, थोड़ी देर में शू होकर खत्म हो जाएगा काम। ध्यान रखो, परमपिता परमात्मा ने प्रत्येक व्यक्ति को अनुमानित आयु 100 वर्ष की दी है, जिसे आप 300-400 तक बढ़ा सकते हो। अगर आप श्रेष्ठ कर्म करोगे आयु बढ़ेगी, और यदि हम वेद के विरुद्ध कर्म करेंगे, भाग्यवाद पर विश्वास करते हुए मन को कमजोर करेंगे, प्रातःकाल उठेंगे नहीं, व्यायाम करेंगे नहीं, सात्विक भोजन करेंगे नहीं, गाय का दूध पिएंगे नहीं, संयम का पालन करेंगे नहीं, तो जरूर जल्दी मरेंगे। ध्यान रखना, अब जो व्यक्ति कहता है नहीं जी मेरे भाग्य में लिखा हुआ है, मैं अगर ठीक है खड़ा हो जा फिर, तो तेरे को पाकिस्तान की सीमा पे खड़ा कर देते हैं, क्योंकि तूने तो मरना ही नहीं है, जितनी मर्जी गोलियां आने दो, है ठीक बात है कि नहीं? ये मां मूर्खता मत करो। ध्यान रखना, किसी की आयु 100 से कम नहीं लिखी हुई, प्रत्येक व्यक्ति की एस्टिमेटेड आयु, एस्टिमेटेड एज 100 वर्ष है। जैसे गाड़ी से जब हम सफर करते हैं और नई गाड़ी होती है तो उसकी इंजन की आयु 1,00,000 होती है, 1,00,000 किलोमीटर, एक्सीडेंट की कोई गारंटी नहीं देता। और अगर आप वेद के विरुद्ध आचरण करेंगे तो शरीर की कोई गारंटी नहीं देगा। सज्जनों, इस बात को कभी मत भूलो, परमपिता परमात्मा पर विश्वास करो, प्रातःकाल उठो सूर्य से पहले, उषापान करो, व्यायाम करो, संध्या करो, प्राणायाम करो, यज्ञ में औषधियां डाल करके यज्ञ का अनुष्ठान करो, दिन में अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो, सोवो मत, केवल उष्ण काल में
गर्मी में सोने का विधान है। श्रेष्ठ काम करो, भले का काम करो, जिससे सबका भला हो। रात को जल्दी सोवो, लगभग 10 बजे प्रातःकाल उठो समय पर, तो निश्चित रूप से आपकी आयु लंबी होगी, आपकी संतान की आयु लंबी होगी, आपका जीवन सुखी होगा। और जिस नगर में मैं कहता हूं और इस समाज से जुड़े हुए व्यक्ति रहते हैं, वहां से भूत प्रेत भाग्यवादी दुम दबाकर भाग जाते हैं। आज तक आर्यों के पास कोई लाल भुजक्कड़ नहीं आया और कोई किसी को बहका नहीं सकता है। इसलिए यहां पर यह सत्संग चलता है कि आप इस वैदिक ज्ञान से ओतप्रोत होकर अपने पूर्व ऋषियों के समान बल और ज्ञान से युक्त होकर संगठित होकर जातिवाद और पखंड को छोड़कर एक हो जाएं और भारत से आतंकवाद को मिटाकर मानवतावाद को लाएं, इसे पुनः सोने की चिड़िया और विश्व का गुरु बनाएं। ओम शांति शांति शांति। वैदिक सिद्धांतों को, वैदिक भजनों को, वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स सुझाव देते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।